जय महाराष्ट्र। मैं माइकल मोजिस, शिवसेना उपविभाग प्रमुख, नायगांव पूर्व, तालुका वसई, जिला पालघर। आज मैं पूरा एड्रेस इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो पूरे महाराष्ट्र में ये वीडियो वायरल होने वाली है। ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ, मैं काफी दिन से वो जो तोतले है ना, बीजेपी का तोतलिया तो किरीट सोमैया, ठीक है, उसके बारे में, वो जो हर बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, ये शिवसेना का नेता, वो एनसीपी का नेता। पहले बात तो एक सिंपल क्वेश्चन था किरीट सोमैया को कि 20-25 साल से जब बीजेपी के गठबंधन था तो तुम्हारी जो याराना थी शिवसेना के नेताओं से, उसका क्या कब खुलासा करोगे? कौन से डेवलपर के साथ में तुम्हारी दोस्ती, कौन से मुलुंड से लेके विक्रोली तक कौन से प्रोजेक्ट में तुम्हारी दोस्ती, वो सब नहीं बोलते हो क्या? 20 साल में तुम लोग की जो याराना थी, जो इतना क्लोज रिलेशनशिप्स ये सब नेताओं के साथ में तुम्हारी थी, वो कब नहीं बोलते हो? तो अपनी इमेज बड़ी क्लीन। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंट से मल्टी करोड़ का बिजनेस तेरा कैसा हुआ, ये भी तो पब्लिक को बताओ कि तूने कौन सा बूट पॉलिश करके पैसे कमाए रे। चल तेरा भी थोड़ा सा पूछता हूँ ना, तू जो आज का जो तेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तूने बड़े बड़े जो डायलॉग मार रहा था, ठीक है, तेरे भी तो बच्चों लोग के बिजनेसेस है, तेरे भी तो भार्गव में तेरे हिसाब किताब चल रहे है, वो कब बोलेगा तू जनता को? सिर्फ शिवसेना के लीडर्स भ्रष्ट, सिर्फ उनके पास करोड़ों के, अब बीजेपी के लीडर लोग के पास करोड़ों रुपए नहीं पड़े क्या? हिम्मत है ना तो सच्चाई का, अगर तेरे को इतनी खुजली चढ़ गई है ना तो सबके बारे में बता ना, देवेंद्र फडणवीस के बारे में बता, हिम्मत है तो राम कदम के बारे में बता, हिम्मत है तो खुद के बारे में भी बता, हिम्मत है तो तेरा वो डेवलपर है ना, क्या नाम उसका मैं बताता हूँ, नीरव डेवलपर के साथ में तेरे हिसाब किताब पब्लिक को बता, बहुत कुछ है बोलने के लिए। अभी ना अब तेरे बहुत सारे वीडियो मैं बनाऊंगा और तेरे खुलासा ना मैं पब्लिक को दिखाऊंगा, शायद तेरे को मेरी शक्ल याद रहेगी, किरीट बहुत पुराना हूं मैं तेरे लिए, ठीक है, बहुत टाइम के बाद मैं चुप बैठा था, मैं इतने टाइम से कभी बोला नहीं, पर ना अब ना पब्लिक को शायद बताने का टाइम आ गया कि एक चार्टर्ड अकाउंट से तेरी लीडरगिरी तक और लीडरगिरी तक तेरी बिजनेस तक, ठीक है, तेरे अलीबाग के तेरे प्रॉपर्टी बोलू, बहुत कुछ है बोलने के लिए। क्यों तेरे बेनामी संपत्ति नहीं है क्या? बड़ा ईडी कर रहा है आजकल, ईडी भी एडी हो गई है, ईडी कम बीजेपी ऑफिस ज्यादा दिख रहा है मेरे को। देख किरीट, अबे तोतले तू सुन, जाना है ना पुलिस के पास जा, गाली गलौज तो मैं कर नहीं रहा हूँ तेरे को, तू पोपट है, ठीक है, फोन पे देख देख के ना, वो जो कॉन्फ्रेंस पे ले रहा है ना, मीडिया भी एडी हो गई है, उनको तो सिर्फ टीआरपी के चक्कर में आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है, ठीक है। प्रेस मीडिया को भी मुझे एक ही चीज बोलना है बॉस, पहला ना तुम लोग भी वेरीफाई करो कौन सा डॉक्यूमेंट क्या है क्या है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं ईडी जा रहा हूँ, क्या है? अबे तोतले हिम्मत है ना तो पहला तो ना कोई भी नेता ना, भले वो बीजेपी का हो या कोई भी पार्टी का हो, कोई दूध के दूल्हे है ही नहीं। और 20 साल से तेरी जो दोस्ती थी ना उसके बारे में तो बता ना, काफी फोटोज है तेरे, अच्छे अच्छे लीडर लोग के साथ पार्टियां कर रहा था। तोतले बराबर की नहीं? तेरे विक्रोली के सब दोस्त यार बराबर की नहीं? अच्छे अच्छे तेरे पुराने पुराने साथीदार जो बिल्डर बन गए तेरे आशीर्वाद से, तू ही है ना वो सीए जो सबको घोटाले सिखाता था ब्लैक पैसा टू व्हाइट पैसा कैसा करने का, बराबर की नहीं? बे सीए 2% के है ना, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है ना, वाक्य में ना साले अगर इतनी ईमानदारी की कीड़े ना तेरे अंदर तो हिम्मत है तो सबके बोलना,
सबके बोल कितने लोगों का तूने कैसा ब्लैक टू व्हाइट किया, ठीक है। अगले वीडियो में ना सब मैं भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तू भी अपनी लोगों की संभाल पोपटे, ठीक है। बहुत ज्यादा बोलने लग गया तू, तेरे को तो सिर्फ यही दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। हाँ, 20 साल तक क्यों मुके के अंदर का लेबल लगा के बैठा था तू? 20 साल पहले तेरे को ईमानदारी नहीं सूझ रही थी? हाँ, अभी तेरे को 3-4 साल में ही दिख रहे क्या? खुद की पॉलिटिकल करियर तो खत्म हो गई है, पॉलिटिकल माइलेज लेने का है तो बस शुरू हो गया है। सबका नेता लोग का डाउनलोड करो और उनका जो भी फॉर्मेट है वो सिर्फ तेरा बोलते जा। हाँ, खुद का लोन का बोलना, किससे कौन से बिल्डर से क्या लिया है तू? हाँ, कौन से कॉन्ट्रेक्टर से क्या लेता था जब तू खासदार था, आमदार था, क्या था तू? हाँ, 2% का सीए साले नेताओं को ब्लैक टू व्हाइट सिखाने वाला तू? हाँ, बड़ी ईमानदारी बजा रहा है। हाँ, क्यों तेरे दोस्त यार नहीं थे पहले? ये अनिल परब तेरा दोस्त था ना? तो था कि नहीं? हाँ, अभी भी तेरे कितने इंटरली तेरे से